वाह व्हाट अ स्क्रिप्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हो आप लोग? और तेरे ऊपर फोकस रहेगा, चल बोल आज इंग्लिश बोल, कैसे हो आप लोग? उसके बाद हाउ आर यू गाइस। और मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा ये तो हिंदी हो गया। और और नहीं जानता। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो सब तो ठीक है दीप, मैं बस एक चीज नोटिस किया, तू स्कूल जा रहा है, सही है, ठीक है, वेरी गुड, स्कूल जा रहा है। ये क्या है? चप्पल है। ये स्कूल का जूता है? नहीं। तो फिर स्कूल का जूता पहन जा। ये पहन के जा रहा है? ये अच्छा है, स्कूल का जूता छिल गया है। स्कूल का जूता छिल गया है? हाँ। छिल गया मतलब फट गया है। ठीक है कोई बात नहीं, चल तेरे को आज नया दिला दिया जाएगा तेरे मम्मी को बोल के, समझा, चल जा। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सब सीख गया ये लोग, इनको पूरा रटा हुआ है, मेरा आउट्रो भी एकदम रटा हुआ है, अपना इंट्रो भी सब आता है, रटा हुआ नहीं, देख देख के ये लोग को पूरा एकदम याद हो गया है। चल वेरी गुड, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। टाटा। तू क्या करेगा? हैं? तेरे को क्या करना है यहाँ पे? मैं घर जाऊंगा। चलो निकलो। तो वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोग, अभी वैसे मैंने व्लॉग डाल दिया अपलोड होने में और मैं उठा हूँ, मैं ब्रश व्रश भी नहीं किया, सुबह सुबह एडिटिंग किया था तो आज लेट हो गया हर एक चीज़ करने में, तो कोई बात नहीं, अभी मैं फटाक से ब्रश वगैरह कर लेता हूँ और करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट, देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या हो सकता है। चलो यार फ्रेश वगैरह तो हो गया, अभी फटाक से कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, मुझे जिम भी जाना है, हाफ एन आवर शायद 11 बजे तक जिम चला जाऊँगा मैं, और तो चेस्ट वगैरह मारेंगे आज जिम में, तो आज सबसे पहले कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, फिर एक या दो केला खाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा मेरा प्री वर्कआउट और चलेंगे उसके बाद जिम और उसके बाद धनाधन धनाधन चेस्ट मारेंगे। सो हियर इज द मिल्क, चलिए इसको गर्म करते हैं पहले। तो कॉफी रेडी है, बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल सुबह में गर्म गर्म कॉफी, क्या बोल रहा हूँ मैं ये सब, पर यार सोचो यार हम भी अगर ऐसे फेमस हो जाते, सुबह सुबह उठते कॉफी पीते, कैमरा में बोलते तो हेलो फ्रेंड्स कॉफी पी लो गर्म है, और ऐसे ही यार रातों रात वायरल हो जाते तो यार क्या ही बात होता है। यहाँ पे तो यार 400 के ऊपर वीडियोस हो गए, अभी तक चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुई है, हद दुख है लाइफ में यार। सो ऑल सेट फॉर द जिम गाइस, अभी बस एक केला हलू और उसके बाद, अरे खुल जा ये क्या था, और उसके बाद चलते हैं जिम। और यार आज बारिश वापस से होने वाली है यार, कल ही मैं बारिश में फंस गया था और अभी फिर से बारिश होने वाली है, तो मैंने रेनकोट ले लिया है इस बार, कल कैरी नहीं किया था, आज मैं मतलब आपसे सोच रहा हूँ कि ये पूरा अपना मैं जब तक लगेगी संभावना है बारिश हो सकती है, अब ये भी बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है कि संभावना है सिलीगुड़ी में बारिश हो सकती है, ये कोई बोल नहीं सकता है। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखोगे, सुबह धूप था, सुबह मैंने आसमान दिखाया था कि धूप है, शाम को इतनी भयंकर बारिश हुई यार मैं फंस गया, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हर दिन ही रेनकोट कैरी करूँगा चाहे बारिश हो या ना हो। सही में यार, सही में बहुत ही दुविधा है यार, इतनी अनप्रेडिक्टेड वेदर वाला जगह में रहना थोड़ा दुविधा भी है, अब मज़ा भी आता है कभी कभी, पर यार मुश्किलें भी होती है, तो आज से रेनकोट हर दिन कैरी करूँगा मैं। तो एक और सुहाना दिन और एक और खाली जिम, अरे यार गाना बज गया, थोड़ी देर में आता हूँ वरना भी कॉपीराइट लग जाएगा। पता ही था मुझे बारिश होने वाली है, वैसे अभी 2 बजने वाले और अभी मैं घर से निकलने वाला था, पर एक गलती हो गई आज मुझसे, मेरा जो कैप था पूरा जो कंप्लीट ब्लैक कैप था वो मैं जिम में ही भूल गया। अब देखा आपने लापरवाही का नतीजा, बिना कैप का तो जा नहीं सकता, पर आने ये थोड़ी गंदी है तो मैं इसे पहन नहीं सकता, मैं बहुत दिन से सोचा धोऊंगा पर धो नहीं पाया, तो अभी मैं निकलूंगा तो सबसे पहले जिम जाऊंगा, जिम से वो कैप ले लूंगा, रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा बाहर, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, तो अभी कुछ दिन तक तो मुझे लग रहा है हर दिन ही रेनकोट चाहिए होगा क्योंकि यार बारिश रुकेगी नहीं। तो ये है मेरा आज का लंच, प्रोटीन शेक और 2 केले, तो ये भी मैं ले लेता हूँ, जाने से पहले ये पार्सल आया है इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। चॉकलेट पीनट बटर, अभी 200। तो भाई लोग दीपेश भी आ गया स्कूल से, क्या करवा रहा है स्कूल में? क्या करवा रहा है? टोपी ले लूंगा अपना, उसके बाद जाऊंगा पढ़ाने के लिए, आज बहुत लॉन्ग कट मारना पड़ेगा क्योंकि मेरा जिम शहर का एक दूसरा साइड में है
और ट्यूशन शहर का दूसरा साइड में, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं अब, कोई और दूसरा उपाय नहीं। अरे ये लोग अभी से बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया, वाह नाइस। चलो यार ले लिया, लेट्स गो। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore, pull up on your right. तो आज का ट्यूशन खत्म होने का टाइम है 9 बजे खत्म। रास्ता का बीच में ये वॉल किसने लगा दिया, वॉल जितना तो ट्रक है। थैंक यू। चलो घर। तो आज का दिन भी ऐसे ही ख़त्म होने वाला है। 9 बज रहा है वैसे। ये डॉग भाई साहब किसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रीट लैंप को देख रहे थे क्या। बहुत ही बारीकी से टर्निंग लेते हुए मैं भर रहा हूँ घर के तरफ। ओहो अंकल जी साइड, थैंक यू। आंटी जी साइड, स्कूटी वाले भैया साइड, सब लोग साइड। हियर इज अ स्पीड ब्रेकर, दिख भी नहीं रहा होगा शायद, हाँ दिखा। सो दीपेश पासवान इन द हाउस। आप लोग ड्यूक को देख सकते हो, वो स्कूटी में बैठा हुआ रहता है। ड्यूक के ऊपर पाउडर दिया जा रहा है, बहुत कीड़ा हो गया इसका बॉडी में। ये हुआ कि ड्यूक का बॉडी में बहुत कीड़ा वगैरह हो गया था, तो पाउडर वगैरह दिया, और उसका शायद हेल्थ भी ठीक नहीं था, तो उसको भी मेडिसिन वगैरह खिला दिया है। और वन सेकेंड, दीपेश आ चुके हैं तो मेरा खाना में आके थोड़ा लूट करने के लिए, तो ये आके मेरा खाना लूटता है। जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो ये आके अपना हाथ उसमें ज़रूर लगाता है। तो अभी ये वैसे ये डिनर ही कर रहा हूँ मैं, सोयाबीन्स खा रहा हूँ। तो यार रात के 12 बज चुके हैं और अभी कर रहा हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। आज के ब्लॉग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल के दूसरे ब्लॉग्स को देखना मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाते रहता हूँ। तभी के लिए भाई टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलो कल मिलते हैं, बाय।